कहा है। और ये सबको जानना जरूरी है कि हम हमारे देश में लोग जो जेल में रहते हैं वो ज्यादातर इसलिए रहते हैं कि वो गरीब हैं, उन्होंने गुनाह किया इस वजह से नहीं, गरीब है इस वजह से वो जेल में रहते हैं। और आप लोगों को हास्यास्पद लगेगा पर मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताऊं, करीब दो साल पहले 4 लाख की प्रिजन्स की कैपेसिटी थी पूरे देश में और अपने प्रिजनर्स करीब 4.5 लाख 4.5 लाख के जितने थे और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब कई जजेस कई जेलों में तो 50-70% ओवरलोडिंग होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे वो जेल में रहते हैं। उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात, दुनिया के 10 खराब से खराब देश, मैं वापस दोहरा रहा हूं, दुनिया के सबसे खराब में खराब देश 10 देशों में अपना रैंक है, क्योंकि अपने इधर ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत अंडर ट्रायल्स है। अमेरिका में 23% अंडर ट्रायल्स है, अपने यहां 65-70% अंडर ट्रायल्स होते हैं जिनको कन्विक्शन नहीं हुआ, जिनको सजा नहीं हुई, मगर उसमें से 90% या 95% ऐसे हैं जो गरीब है। गरीबी को हमने एक जुर्म बना दिया है। कानून में कुछ तब्दीलियां भी आती हैं मगर वो तब्दीलियां पता नहीं होती लोगों को। एक उदाहरण दूंगा मैं इसके पीछे, आरटीआई में थोड़े टाइम पढ़ा था, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 436A है जो ये कहता है कि अगर आदमी जामीन नहीं दे सकता है, कई जो गरीब लोग हैं उनको जामीन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा उसको जो सजा होने वाली है उसका 50% अगर टाइम निकाल दिया जेल में तो पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज करना चाहिए। वो बेल की अमाउंट कहीं से नहीं, श्योरिटी कोई ना ला सके, पर उसको पर्सनल अपने एफिडेविट पे रिलीज करना चाहिए। महाराष्ट्र में मैंने पूछा था कि कितने लोग हैं तो उन्होंने बताया ही नहीं। फिर इंफॉर्मेशन कमीशन में गया मैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने फॉर्चुनेटली एक हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला कि 436A के तहत, मतलब 50% जेल जो काट चुके हैं मैक्सिमम टर्म से, उनकी लिस्ट हर महीने हर जेल के नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए और वेबसाइट पे होनी चाहिए। उम्मीद ये थी कि जेल की वेबसाइट पे, जेल के नोटिस बोर्ड पे होगी तो वो कैदी खुद समझेगा कि मैं पर्सनल बॉन्ड पे रिहा हो सकता हूं। इससे भी कई हद तक हमारे प्रिजनर्स को फायदा हो सकता है। ऐसे बहुत से और मुद्दे हैं जो मैं जयंत कुमार दास को सलाम करता हूं और मानता हूं कि इस तरह का काम तो शायद हम सब नहीं कर सके, मगर आरटीआई के जरिए जो अपने लोग जेल में सड़ रहे हैं, अपनी न्यायिक व्यवस्था नहीं है, अपनी अन्याय की व्यवस्था है, जैसे जयंत कुमार दास ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूं कि अपनी कोर्ट्स की परिस्थिति भी दूसरे सरकारी महकमे से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उतनी खराब है जितने दूसरे सरकारी महकमे के हैं, मगर कोर्ट की बात हम नहीं करते। ज्यादातर लोग हम डरते हैं कोर्ट की बात करने के खिलाफ, डरते हैं। और जयंत कुमार दास ने खुद उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने आवाज उठाई तो उनको पीड़ित किया गया, मगर मैं सलाम करता हूं जयंत कुमार दास से और सबसे कहता हूं 436A के लिए कमीशन से ऑर्डर निकलवाइए कि ये 50% के ऊपर जिनको सजा ऑलरेडी भुगत चुके हैं उनको रिहाई मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कानून उनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। और जयंत दास जी निश्चित तौर पे चूंकि वो इंडियन एयर फोर्स के वॉरियर भी रह चुके हैं तो उनमें वो जज्बा और वो जुनून है और निश्चित तौर पे वो एक अलग ही चीज है और निश्चित तौर पे वो लोगों को जो इस दिशा में आगे आने वाले हैं उनको वो मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्री आत्मदीप जी को, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप जी को हम इसमें इनवाइट करते हैं और अपने विचार वह कार्यक्रम में रखें। अपने आप को अनम्यूट करने से। नमस्कार आप सभी को। मीडियों के संबंध में सूचना के अधिकार